राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही बयानबाजी पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान जारी किया है। वो कोई अभी जब एक बार कह दिया है भाई कि हाईकमान फैसला करेगा, उसके बाद में कई बार अति उत्साह में कोई लोग बोल जाते हैं। मैं उनसे भी अपील करूंगा कि कोई अति उत्साह में नहीं बोले। जनता का क्या फीडबैक है ये तो आम जनता का होता है। इसे मैंने कहा था कि जो आवाज़ जनता की होती है वही आवाज़ होती है खुदा की होती है। खलक की आवाज़ ही खुदा की आवाज़ होती है। तो जो आवाज़ मान लो जनता कुछ कहती है आपको गांव में ढाण में किसी के बारे में कहो, वो फीडबैक जाता सब जगह। उसको बार बार हम कोई बात बोलेंगे तो अनावश्यक रूप से विवाद पैदा होता है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा रहेगा अति उत्साह में किसी का फॉलोअर कुछ भी हो पार्टी के इंटरेस्ट में उसको अपनी बात को हाईकमांड को कह दे, जो AI श्री पदाधिकारी उनको कह दे, मुझे कहे, PC प्रेसिडेंट को कहे, नेता प्रतिपक्ष को कहे, CP जोशी जी को कहे, वो अलग बात है। परंतु बिना मतलब अगर हम अखबार में बोलेंगे उसके मायने दूसरे निकल जाते हैं। अनावश्यक विवाद पैदा होता है, विवाद से बचना चाहिए सबको। जरूर कुछ नहीं है क्योंकि मैंने कहा मीडिया में एक सेक्शन जो है वो बार बार गलतफहमी पैदा करती है, कहते कुछ हम लोग वो छापता कुछ है, इसलिए स्पष्टीकरण देना पड़ता है जनता के कंजन के लिए। आज चेहरा सामने 10 साल से नहीं काम है। मैंने कहा 10 साल मुख्यमंत्री में रह चुका हूँ, बार बार आप लोग चेहरे क्या बात करते हो। इसमें अभी भी कहता हूँ कैसे दूर हो सकता हूँ बताओ। जिस राजस्थान ने मुझे इतना प्यार मोहब्बत दी हो, विश्वास किया हो, आज भी कर रहा है पूरा प्रदेश के गाँव गाँव में ढाणी ढाणी के अंदर, तो मैं उनसे दूर कैसे हो सकता हूँ। अगर मैं दिल्ली में रहूं या राजस्थान में रहूं या कहीं रहूं तो मैं राजस्थान की सेवा नहीं करूंगा क्या? मैं राजस्थान की आवाज़ नहीं उठाऊंगा क्या? जो लोग पार्लियामेंट में गए हैं कई लोग, वो ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर जो पार्लियामेंट में रह कर के भी उन्होंने आवाज़ उठाई राजस्थान की। बड़े बड़े नेता BJP के ऐसे हैं जिन्होंने एक शब्द वहाँ पर नहीं कहा है। इसलिए मैंने कहा कि मैं कहीं रहूँ मैं आपसे दूर नहीं हूँ। ये तो राजस्थान की जनता की हौसला अफजाई करना मेरा फ़र्ज है। उनको विश्वास बना रहे कि मैं हमेशा आपके बीच में रहूँगा, चाहे कहीं रहूँ किसी पद पे रहूँ, इसमें क्या गलत है? अब आप लोग जो मीनिंग निकालते हो वो आप अपने रिसर्च करके निकालते हो, अपना जो जो आपके दिमाग में बात आती है कि इनके क्या क्या मायने हो सकते हैं, एक मायने को फिट कर देते हो वो आपकी आपके ऊपर। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा जो जो ध्येय है वो ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बने और उसमें तमाम नेता कार्यकर्ता एकजुट रहे, टिकट एक मिलता है विधानसभा में, मुझे प्यारा वही होगा जो टिकट मिलने के बाद में तमाम नेता और कार्यकर्ता, टिकट किसको मिला है मिलने के बाद में एकजुट होकर के पूरी समर्पित होकर के उसको जीतने में लग जाएगा, वो मेरा प्यारा होगा, उससे मैं मोहब्बत करूँगा, उसका मैं स्नेह करूंगा, उसका मैं ध्यान रखूंगा। मैं उस प्रकार की राजनीति करता हूँ। और टिकट मांगने का हक सबको है, वो मांगे टिकट, पर शालीनता रखे कि अगर सर्वे हो रहे हैं, पूरा प्रोसेस होता टिकटों का, उसके बाद में टिकट मिलने के बाद में सब लोग मिलकर काम करिए। मेरा